हेलो फ्रेंड्स, आज हम पब्लिक फिनांस के अंदर देखेंगे टैक्सेबल कैपेसिटी। देखो, जब भी हम टैक्सेशन सिस्टम को गवर्नमेंट स्टडी करती है तो गवर्नमेंट ये भी जानना चाहती है कि जो देश के अंदर लोग रहते हैं उनके मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पे देखो, टैक्सेबल कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लोग कितना मैक्सिमम टैक्स जो है पे कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि मैक्सिमम टैक्स जो है वो कितना कलेक्ट कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं टैक्सेबल कैपेसिटी की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है जो देश के नागरिक हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ये देखना होता है कि वो कितना टैक्स जो है कलेक्ट कर सकती है और जो टैक्स पेयर है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे फिनले श्रास ने डिफ़ाइन किया है, टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ ए कंट्री इज़ मैक्सिमम अमाउंट द सिटीजन ऑफ ए कंट्री कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी विदाउट हैविंग टू अंडरगो एन अनबियरेबल स्ट्रेन। देखो, टैक्सेबल कैपेसिटी का अर्थ होता है कि जो देश के नागरिक हैं वो जो सरकार के जो एक्सपेंसेस हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये उनके ऊपर कोई अनड्यू बर्डन नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो टैक्सेबल कैपेसिटी है ये दो तरह की होती है, एक एब्सोल्यूट होती है और सेकंड जो है रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी होती है। देखो, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी होती है ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये उस पर्सन की मैक्सिमम कैपेसिटी देखी जाती है, क्योंकि उसकी इनकम कितनी है उसके बेसिस पे जो है टैक्सेबल कैपेसिटी जो है जज की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि नेशनल इनकम के अंदर कितना जो है वो टैक्स की फॉर्म में पे कर सकता है। और यहाँ पे ये होता है कि उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी जब देखी जाती है तो यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट जो है प्रोडक्शन के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो, जो पर्सन है उसकी मिनिमम कैपेसिटी तो ज़ीरो होती है, कोई बंदा जो होता है टैक्स देने को तैयार नहीं होता, तो जो मिनिमम टैक्सेबल कैपेसिटी है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैक्सिमम का अर्थ होता है कि नेचुरली देखो, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस की फॉर्म में मैक्सिमम कितना कलेक्ट कर सकती है, और ये हमेशा समय के साथ होता है। अगर साल के अंदर एक ही बार टैक्स लगाना है, अगर मैं कहूँ कि मेरी इनकम जो है 50,000 है, तो गवर्नमेंट जो है मेरे से ज़्यादा जो है 50,000 तक टैक्स लगा सकती है। और अगर जो है गवर्नमेंट ने हर साल टैक्स लगाना है तो मैक्सिमम टैक्सेबल कैपेसिटी जो है मेरी 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारा पैसा मैंने टैक्स की फॉर्म में पे कर दिया तो मेरे पास सर्वाइवल के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो टैक्स कैपेसिटी का मतलब होता है कि टोटल नेशनल इनकम जो है कंट्री की टैक्सेस की फॉर्म के अंदर जो है किस ढंग से कलेक्ट की जाती है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जब हम टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य होता है कि मैक्सिमम टैक्स जो है, अगर मेरी 50,000 है तो मैक्सिमम टैक्स मेरे से सरकार कितना वसूल कर सकती है, ताकि जिससे मेरी एफिशिएंसी लेवल जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए और मेरे ऊपर कोई अनड्यू बर्डन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं लिमिट, क्योंकि मेरी इनकम 50,000 है तो ऑब्वियसली मेरा टैक्स जो है मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये एक बेसिकली लिमिट है कि मेरी लिमिट कितनी है, क्योंकि ये मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और उसी तरह जो ऑप्टिमम मैक्सिमम अमाउंट होता है, ऑप्टिमम का अर्थ होता है कि देखो, जो ऑप्टिमम टैक्सेबल कैपेसिटी है यहाँ पे है कि सरकार ने जो टैक्स कलेक्ट करना है लोगों के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन के द्वारा जो पैसा कलेक्ट करती है, बट यहाँ पे जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके ऊपर बुरा असर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट उतना ही टैक्सेशन का कलेक्ट करना चाहिए ताकि लोगों के वेलफेयर के ऊपर स्पेंड कर सके, जो लोगों की प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, उसके ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट, खराब इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरह जब हम बात करते हैं रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की, देखो जो एब्सोल्यूट होती है ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरऑल एक पर्सन जो है जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है वो कितना मैक्सिमम जो है पे कर सकता है। यहाँ पे हम लिमिट को डिफाइन करते हैं, लेकिन जब हम रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये एक तुलनात्मक टर्म होती है जिसके बेसिस पे हम तुलना कर सकते हैं कि मेरी टैक्स पेबल कैपेसिटी 50,000 है पर दूसरे बंदे की इनकम 1,00,000 है, तो वो
मैक्सिमम 1 लाख तक पे कर सकता है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी के अंदर आप देखते हैं कि एक यूनिट का या एक पर्सन का या एक देश का दूसरे देश के साथ क्या रेशो है। जैसे देखो, एक कंट्री की टैक्सेबल कैपेसिटी है 200 करोड़ और जो बी कंट्री है उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी है 400 करोड़। तो जो बी कंट्री की रिलेटिव टैक्सेबल एबिलिटी है 2:1 है। इसका मतलब अगर ए जो है 1 रुपी पे करता है तो बी उसका डबल करता है। और उसी तरह ए कंट्री की अगर हम मेयर करते हैं तो ये है कि अगर ए जो है 1 करता है तो बी जो है 2 करता है, डबल करता है उससे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन, एक की कैपेसिटी को हम दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेशो को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो टैक्सेबल कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम की, और जब हम इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मॉनेटरी इनकम की बात नहीं करते, हम उसकी रियल इनकम की बात करते हैं। अगर देखो, बंदे की मनी टर्म्स के अंदर इनकम बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं है कि उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर उसकी हाई इनकम है तो नेचुरली कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है और उसकी जो रियल इनकम होती है वो कम हो जाती है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे टैक्सेबल कैपेसिटी जब हम देखते हैं तो उसकी अगर रियल इनकम ज़्यादा है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और उसी तरह सेकंड जो है एक्सपेंडिचर। अब देखो, जो एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से हम उसकी टैक्स पे करने की कैपेसिटी भी जज कर सकते हैं। अगर देखो, वो फैमिली के ऊपर, फैमिली की मतलब फैमिली के सर्वाइवल के लिए पैसे खर्च करता है तो हम देखते हैं कि उसकी जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो मेरा 50,000 है तो मैं 40,000 जो है खर्च करती हूँ अपनी फैमिली को चलाने के लिए, तो मेरी ऑब्वियसली टैक्सेबल कैपेसिटी जो है कम होगी क्योंकि मेरी इनकम का काफ़ी हिस्सा जो है एक्सपेंडिचर में यूज़ होता है। तो टैक्सेबल कैपेसिटी जो है रियल इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है और एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। फिर हम देखते हैं कि जो देश हैं उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी को जो है क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने किया था, एक बंदे की, इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल कैपेसिटी है, उसकी इनकम क्या है, उसका खर्चा क्या है, उसके बेसिस पे उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी जो है डिटर्मिन होती है। एक नेशन, एक कंट्री की जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है नेशनल इनकम एंड स्टेबिलिटी। देखो, जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है, अगर देश का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर देश का इनकम लो है तो उसकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी लो होगी। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो नेशनल इनकम है वो स्टेबल कितनी है, अगर उसमें फ्लक्चुएशन है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है इफ़ेक्टेड होगी। उसी तरह जैसे इंडिया जो है, इसके अंदर जो मेन धंधा है लोगों का वो एग्रीकल्चर है, तो यहाँ पे जो इनकम ऑफ फार्मर्स है वो अनसर्टन होती है क्योंकि ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। कभी अच्छी फसल हो भी जाती है तो मॉनसून की वजह से क्या होता है कि उनको ज़्यादा इनकम नहीं होती, तो उस वजह से क्या होता है कि नेशनल इनकम जो है फ्लक्चुएट करती है। अगर स्टेबल है, अगर हाई है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। और उसी तरह पॉपुलेशन, देखो जो पॉपुलेशन है ये दो एंगल से इफ़ेक्ट करती है, एक तो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, अगर पॉपुलेशन जो है प्रोडक्शन के हिसाब से कम है तो पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी, और अगर क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कम है तो पर कैपिटा इनकम लो होगी और टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है लो होगी। और उसी तरह क्या है कि देखो, अगर बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका रेशो ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा कमाते तो है नहीं, इनका जो है नेशनल इनकम के अंदर शेयर जो है कम होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि अगर एजड और छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी कम होगी। और उसी तरह क्या है कि अगर वर्किंग क्लास की जो है, जो लोग यंग है ज़्यादा काम कर सकते हैं तो उससे वो लोग इनकम जनरेशन के अंदर भी उनका योगदान होता है, तो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है ज़्यादा होती है। और उसी तरह हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो वेल्थ है अगर वो इक्विटेबल, देखो अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे अमीरों और गरीबों के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जिनके पास इनकम ज़्यादा है तो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है ज़्यादा होगी, बट अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो लो होती है। और उसी तरह देखो साइकोलॉजी ऑफ द टैक्स पेयर। देखो, जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो, अगर
जो देश की पॉपुलेशन है अगर उसको गवर्नमेंट के अंदर फेद है, उसकी पॉलिसी के अंदर फेद है, तो वो ज़्यादा टैक्स पे करने को भी तैयार हैं। बट अगर उनको लगता है कि सरकार उनको लूटती खसूटती है, तो वो उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी जो होती है लो होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो चेंजेस इन दी प्राइसेस, अगर देखो जो प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन है, बढ़ती जाती है, अगर देखो देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोगों की जो सेविंग कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, तो उस सिचुएशन के उनके अंदर टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है पब्लिक की लो होती है। बट अगर प्राइसेस कम है तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी जो है ज़्यादा होती है। उसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ़ द लिविंग ऑफ द पीपल, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी देश के स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग अच्छा है तो उनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, तो वो इनकम को बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं, तो उनकी सेविंग भी ज़्यादा होती है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। और उसी तरह जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं अगर वो स्टेबल हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है कि नेचुरली वहाँ पे भी लोग जो होता है पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है, गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादा फेद है, तो वो ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करने को तैयार होते हैं। बट अगर देखो देश के अंदर कई बार क्या होता है कि सिचुएशन है, वहाँ पे वॉर लग जाती है, तो उसके अंदर लोग जो होते हैं अपने देश के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा भी टैक्स देने को वो तैयार होते हैं। और उसी तरह एबल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और सरकार जो अच्छे ढंग से हर को मैनेज कर रही है और लोगों को आज सरकार के ऊपर पूरा फेद है कि सरकार जो अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो वो ज़्यादा टैक्स पे करने के लिए तैयार होते हैं। और उसी तरह देखो जो टैक्सेबल कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए करती है, अगर उससे नेशनल इनकम के अंदर इजाफा होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, लोगों की एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है, तो लोगों की जो टैक्सेबल कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर लोगों की जो टैक्सेबल कैपेसिटी होती है वो कम होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि क्यों जो सरकार है वो जानना चाहती है कि लोगों की टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, क्योंकि देखो सरकार को अंदाज़ा हो जाता है कि लोग जो है देश के अंदर इतना टैक्स पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि सरकार जो है प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी जो है अडॉप्ट कर सकती है। और सरकार को ये भी पता चलता है कि लोगों की जो है इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्सेस कलेक्ट करके वो कैसे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो इन्हांस कर सकती है। और टैक्सेबल कैपेसिटी से क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाता है कि टैक्सेशन से वो कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है, ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है प्रॉपरली कर सके।